उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की मुरदगंज ब्लॉक की बीडीओ श्वेता सिंह ने ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद पर संगीन आरोप लगाया है कि सऊद के गुर्गे उनके केबिन में घुस गए और धमकाने की बात कहते हुए उनके ऊपर दबाव बनाया। ब्लॉक के अधिकारी बीडीओ श्वेता सिंह ने बताया कि सऊद उन पर नाजायज काम करवाने के लिए दबाव बनाया करता है। घटना के बारे में श्वेता सिंह ने बताया कि वो केबिन में काम कर रही थी कि सऊद की दो गाड़ियों में असलों से लैस लोग उतरे और उनकी कुर्सी को धक्का देकर चले गए। वहीं दूसरी ओर प्रमुख ने बताया कि बीडीओ साहिब हफ्ते में 3 दिन आती हैं, कॉलोनी वालों से धन उगाही करती हैं और अपने ऑफिस में न बैठकर ब्लॉक के पीछे बैठी रहती हैं। असलहों के बारे में सऊद ने बताया कि उसके पिता की हत्या हुई थी, तब से उनकी दुश्मनी चल रही है। वो अपनी सुरक्षा के लिए एक गनमैन साथ लेकर चलते हैं। सऊद ने कहा कि वो एक महिला है, इसलिए मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। उनके स्टाफ के लोग भी उनसे त्रस्त हैं। वहीं कोकराज थाने के इंस्पेक्टर राकेश चौरसिया ने बताया कि इस प्रकरण में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी पक्ष द्वारा पुलिस को कोई तहरीर मिली है। अगर तहरीर मिली तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। आज मैं सुबह 10 बजे जब अपने ऑफिस में आके बैठी हूँ तो मैं बाहर धूप में चेयर निकलवा के अपने काम कर रही थी। करीब 11:45 बजे राजीव पासवान नाम का एक व्यक्ति है जो कसिया पूर्व का व्यक्ति है, वो वहाँ से 2-3 चक्कर मार के चला गया। फिर कुछ देर बाद तो 3 गाड़ियाँ असलहधारियों के साथ मुझे काफ़ी टच करते हुए मेरे काफ़ी करीब से जाके खड़ी हो गई और मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। असलहधारी ने मुझे एक तरह से बाहर आकर के एक झुंड बना के, एक महिला को जिस तरह डराया जा सकता है उस तरह डरा कर वो लोग खड़े हुए थे। मुझे काम करने में दिक्कत हुई, असहज महसूस हुआ तो मैं उठ करके अपना ऑफिस छोड़ करके यहाँ पे आ गई। और मुझे ये कहते हुए ज़रा भी डर नहीं है कि मेरे प्रमुख मुझे गलत काम करने के लिए दबाव भी डालते हैं। दुनिया भर के गलत काम करने के लिए SCP के तहत अपात्रों का चयन करके स्पेशल कंपोनेंट प्लान में लाभान्वित करने के लिए मुझ पर दबाव देते हैं। जब मैं मना करती हूँ तो मुझसे कहते हैं आप किसी भी तरह का आरोप लगाकर मुझे 2 मिनट लगेगा, ये मेरा क्षेत्र है, 2 मिनट लगेगा, मैं किसी भी आदमी को खड़ा करके आप पे आरोप लगवा कर आपकी छीछा लेदर करवा दूंगा। मुरदगंज क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो BDO हैं, उनकी ऑफिस अलग है, हमारे ऑफिस अलग है। हम हफ्ते में 2-3 दिन ब्लॉक आते हैं बैठते हैं, हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। तो हमारा ना उनसे कोई विवाद है ना हमारी कोई मामलेदारी है। हमारी जो है पिताजी की हत्या हुई है, एक असलहा लेके हमेशा चलते हैं, आज पहली बार लेके नहीं आए ब्लॉक, तो ये इसमें कौन सा बहुत उनको विरोध है कि नहीं असलहा लेके आए। हमारे पास लाइसेंस है, हम अपनी सुरक्षा जान माल खतरे के लिए एक असलहा तो हम अपना रख ही सकते हैं।